सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस चिंतन से दुख और अशांति की उत्पत्ति हो उस चिंतन को दोबारा रिपीट ना करें, उसे विष समझकर त्याग दें, इसी में आपका कल्याण है। विघ्न और समस्याएं और कुछ नहीं, यह केवल आपके कमजोर मन की, इसलिए श्रेष्ठ विचारों से अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो वो आपके माता पिता की तरफ से गिफ्ट है, और अगर आप सुंदर तरीके से जीते हैं तो वो आपकी तरफ से उन्हें रिटर्न गिफ्ट है। आज का पंचांग 25 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, दोपहर 12:57 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 12:07 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:18 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 12:07 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 25 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, आप आज ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी कमियों के बारे में जानते तो हैं लेकिन उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते, जैसे कि उनमें खुद में कोई कमियां नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्षों में मिले हैं, और उनसे दोबारा संपर्क साधने की भी कोशिश करें। अभी आप आत्मविश्वास पूर्ण महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुई कोई हानि आपको आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करेगी। प्रार्थनाओं या ध्यान राहत प्रदान कर सकते हैं। विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। करीबी लोग भ्रमित व्यक्तिगत छड़ों से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। जो भी आप करते हैं या जहाँ भी आप जाते हैं, उपलब्धि की भावना हर समय आपके साथ रहेगी। आपके आत्मविश्वास का स्तर आज ऊंचा होगा और नम्रता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। किसी भी परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। आपके द्वारा उठाए गए छोटे कदम भी एक महान भविष्य की शुरुआत है। अधिकतर समय घर पर ही व्यवस्थित होगा और रखरखाव सुधार संबंधित कार्यों में भी आपकी व्यस्तता रहेगी। परिवार के साथ भविष्य संबंधित किसी महत्वपूर्ण नीति बनाएं, आपके विचारों की सराहना होगी। दिन की शुरुआत में ही बड़ा लाभ हो सकता है। परिवार के लोगों से आपको भेंट मिलने की संभावना बन रही है। जो खरीदारी आप करना चाहते थे उससे संबंधित फायदेमंद डील प्राप्त होगी, जिसके कारण खरीदारी करना संभव होगा। विद्यार्थी यदि उच्च शिक्षा की कामना करते हैं तो उन्हें प्रयत्न और बढ़ाने होंगे। परिस्थिति आपके पक्ष में है। रिलेशनशिप की जानकारी आप परिवार के लोगों को दे सकते हैं। कमजोरी की वजह से पैर दर्द महसूस हो सकता है, ध्यान रखें। खनन व्यवसायियों के लिए समय राहत भरा रह सकता है। ऑफिस खरीदने के मामले में उन्नति हो सकती है। सरकारी ठेकेदार लाभ में रह सकते हैं। दुर्घटना संबंधित सावधानी रखें। कारोबारी यात्रा बनाना चाहते हैं तो निसंकोच चले जाएं। किसी निकट परिजन के साथ मतभेद को बड़ा रूप देने से बचाएं। जीवन साथी की बातों पर ध्यान दें। अपनी बातों की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें। राज्य स्तरीय राजपत्रित अधिकारियों के लिए समय अच्छा सिद्ध हो सकता है। किसी पारिवारिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए यात्रा की योजना बन सकती है। विशिष्ट व्यक्ति से मतभेद हो सकती है या तय हो सकती है। मानसिक शांति रह सकती है। सावधानियां, बातचीत करते समय दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें।
गलत शब्दों का प्रयोग किसी को आहत कर सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। अनुभव की कमी से कार्य अधूरे भी रह सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ कुछ ठहरी हुई सी है। आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और काफी अलर्ट हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि जिंदगी में किसी का साथ पाने की बजाय और भी बहुत सी चीजें की जा सकती है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो अपने जीवन में किसी का स्वागत करने के लिए नए टिप्स इकट्ठे कर सकते हैं। कोई घाटा या नुकसान आपके जीवन में उदासी के रंग भर सकता है, इसलिए धन का व्यय सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में धोखे का मतलब जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए संबंध की शुरुआत हो सकता है। आपका हर सपना पूरा होगा, बस पहल करने की जरूरत है। आज जहाँ भी जाएंगे सफलता आपके साथ होगी। आपका पार्टनर आपसे बहुत उम्मीदें रखता है और आप भी इन्हें पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे। आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते को रंगीन करने में जादू जैसा काम कर सकता है। अगर रिश्ता नया है तो उसे अतिरिक्त समय दें। बात करती हैं करियर की। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए आप इस उत्पादक अवधि का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। आप अपने कार्यों की पूर्ति के लिए पहले से ही स्थापित कार्य योजना का पालन करें और आगे बढ़ें। चाहे आपको कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, यह अपने काम को खत्म करने के लिए नए तरीके अपनाने के लिए एक अच्छा समय नहीं है। कुछ आपातकालीन स्थितियां आपके घर पर उत्पन्न हो सकती है जो कि एक भारी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। आज आप दान या नॉन प्रॉफिट कार्यों को करने के इच्छुक हैं। कार्य के प्रति आपका सकारात्मक नजरिया और कौशल आपको उस स्थिति में ले जा सकता है जिसका आपने ड्रीम देखा है। शारीरिक समस्याओं से बढ़ने से पहले मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जाएं या डॉक्टर से मिलें। आज आप जो भी करेंगे या जहां भी जाएंगे अच्छा ही महसूस करेंगे। इस समय का प्रयोग कुछ खास करने या किसी भी अवसर का पूरा फायदा उठाने में करें। आज आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे, लेकिन नरम बने रहें ताकि लोग आपकी तारीफ करें और आपको समझें। आज हर काम में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। व्यवसाय संबंधित नई तकनीकों को समझना और सीखना जरूरी है। आप कार्य विस्तार को तरीके से अंजाम दे पाएंगे। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान केंद्रित करें। नौकरी में आपकी कार्य व्यवस्था सकारात्मक रहेगी। बात करती हैं सेहत की। कब्ज और गैस की समस्या परेशान करेगी। अपना पेट खराब ना होने दें। खान पान के प्रति बहुत अधिक व्यवस्थित रहें। आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और तनाव रहेगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ऐसा करने की कोशिश से आप व्यर्थ का तनाव ही मोल लेंगे जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी। इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे। आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले व्यायाम करने चाहिए। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।